1961 में गोवा आजादे नहीं हो रहा था, नेवी ने चारों ओर से घेर लिया, थल सेना को कहा कि तू पीछे से घेर लो, और ऊपर से एयरफोर्स घेर ली। पुर्तगाल वाला कहा कि भागेंगे कहाँ हम, ओला उबर नहीं जा पाया वहाँ। कोरोना में सारा विदेशी पर्यटक साइड हो गया, बाद में आए देसी वाला पर्यटक, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे गोवा वाले भी। महाराष्ट्र के नीचे गोवा 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को क्या किया गया, आजाद किया गया। सचरा पुर्तगाली आए थे सब 1498 में सबसे पहले, और गए सब 1961 में सबसे लास्ट में। सबसे पहले आया सब और सबसे बाद में गया सब पुर्तगाल वाले गोवा में। कहाँ पे? गोवा मिला छोटा सा जगह गोवा। अब इतना ना छोटा है गोवा कि उसमें नक्शा की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे नहीं जान जा, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा और साउथ, मतलब एक गोवा है छोटा सा तो एरिया ही है गोवा वहाँ। अब गोवा में पुर्तगाली थे सब, और आज़ादी के बाद तक पुर्तगाली थे सब। वहाँ भारत का झंडा नहीं लहराया जाता पुर्तगाली का। पुर्तगाली में ज़्यादातर क्रिश्चियन थे, तो आज भी गोवा में क्रिश्चियन कल्चर ज़्यादा मिलेगा, और अंग्रेज़ों का कल्चर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा गोवा में। वहाँ पर चर्च वगैरह भी बहुत ज़्यादा, शराब वगैरह वहाँ पे तो कॉमन चीज़ है। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे गोवा वाले भी। बताओ, शराब पीने को गाना में उसको बना दिया है। आओ तो नहीं बिहार में पियो, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तो जैसे बिहार में पियेंगे ना तो बिहार पुलिस उधर से लाएगी, सुबह सुबह पीट के आएंगे। नहीं समझ, बिहार पुलिस आएगी, अल्लाह अल्लाह आबकारी विभाग पकड़ गया। भले बिहार में आपको चोरी छुपे पी सकते हैं, ठीक है, मीडिया में देखिएगा तो कई आदमी आके कहते हैं बिहार में शराब मिल रहा है, जो पी रहा है तो नहीं बताओ उसको। हाँ, बहुत बड़का कहते हो कि हम वीर कुंवर सिंह की भूमि से हैं, आपका पड़ोसी पी रहा है, हिम्मत नहीं है आपको कि समाज में जाकर सरकार को कंप्लेन कर सके पुलिस में कि मेरा पड़ोसी पीता है और बवाल करता है? नहीं, लेकिन जब नसीहत देने के लिए आएगा ना, भाषणबाजी, मिल तो रहा है, होम डिलीवरी है, जान रहा है तो पकड़वाओ। समाज को साफ करने की जिम्मेदारी केवल पुलिस वाले उठाएंगे, भाषणबाजी करेगा लोग यहाँ पे, काहे तो घुसिया जाएगा, घुसिया जाएगा, तोरा इतना चिंता है? तुम्हें जब अपना मोहल्ला पड़ोस नहीं सुधार पा रहे हो तो पुलिस वाले का कौन जिला कहाँ भेजते रहता है कोई पता ही नहीं। भागलपुर का पुलिस वाला गोपालगंज ड्यूटी है। अच्छी बात है शराब बंद, शराब कोई अच्छी चीज थोड़ी है, भारत में लोग ओवरडोज पी जाते हैं। और अमेरिका वगैरह में शराब इसलिए पीते हैं लोग कि अपने शरीर को गर्म रख सके, उससे लिए भारत में हल्दी दूध पियो ना, नहीं समझ आया, केसर वाला पियो, अंडा खा लो, नहीं समझ आया, अब उसमें आ जाएगा सब वेज और नॉन वेज वाला। अच्छा, भेज वाला ऐसा बोलता है तो जिसे लगेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं? गया, देखिए नॉनवेज वेज साइंटिफिक ढंग से ठीक है, धार्मिक दृष्टि से अगर देखिएगा ना तो नॉनवेज को वरीयता नहीं दी गई, धार्मिक दृष्टि से वेज को ही प्रिफर किया गया, धार्मिक दृष्टि से, समझ में आ रहा है कि नहीं? साइंटिफिक दृष्टि से साइंस को ये सब कोई मतलब नहीं रहता, वो तो साइंस तो खोजता है कि ये सब कौन है जो ये सब चीज को ले आ रहा है। तो गोवा जो है वो क्रिश्चियन कल्चर वहां ज्यादा मिलेगा। 1961 में गोवा आजादे नहीं हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू थे, कहीं गिरे चोटा कहीं का, तुम कौनसी नौटंकी बतिया रहे, तो एकदम लाइचीदाना बराबर है, अकर है कि हम होंगे। जवाहरलाल नेहरू ने नेवी को कहा कि एक काम करो, घेर लो चारों ओर से, नेवी ने चारों ओर से घेर लिया, थल सेना को कहा कि तू पीछे से घेर लो, थल सेना पीछे से घेर लिया, और ऊपर से एयरफोर्स घेर ली। पुर्तगाल वाला कहा भागेंगे कहाँ हम, अरे भाई भागने का तो मौका दो। नेहरू की सबसे समझदारी यही थी, क्योंकि पुर्तगाल इंटेलिजेंस मिला था कि पुर्तगाली जब गोवा से जाएंगे तो हर चीज तहस नहस करके जाएंगे, पुरानी बिल्डिंगें, पुरानी पुल, बिजली वगैरह की सप्लाई, जितनी चीजें, जैसे आप सपोज कीजिए, आप कहेंगे क्या चीज खराब कर सकता है, आप जिस लॉज में रहते हैं एक छोटे से कमरा में, कभी कभी इतना खचरा लड़का आता है लॉज खाली करके जाएगा, बल्ब फोड़ देगा, बोर्ड तोड़ देता है, बिजली वाला बोर्ड को क्या करता है तोड़ देता है, बेसिन का पाइप नोच देता है। तो सोचिए जब आप इतना छोटा रूम तहस नहस कर सकते हैं, तो उसको पूरा राज्य मिला था। नेहरू को लगा कि अरे सच रहते हैं क्या, ये जाएगा तहस नहस करके जाएगा, रुक तोरा बताई तो हम। नेहरू ने क्या कर दिया, चारों ओर से घेरवा दिया। पुर्तगाल वाला कह रहे जाएंगे किधर से, का कोई बात नहीं, हम पहुंचा देंगे आपको, ला दे रे सामान इनका, पहुंचा दे पुर्तगाल। अगले दिन पुर्तगाल पहुंच गए वहां पे लोग, यहाँ पे ऑपरेशन विजय सक्सेस हो गया। क्या हो गया? ऑपरेशन विजय सक्सेस, कोई गोली उली नहीं चलाना पड़ा, कोई गोली उली नहीं, नहीं तो तैयार हो गया था चार्ली विलियम डेविड। डेविड यहाँ पे जाट रेजिमेंट वाला मुंह छाइट के खड़ा है,
डेबिट उबिट निकालते हैं, यहाँ पे आओ। नहीं समझ में आया, दो दिया वहां पे। अब पंजाब रेजिमेंट वाले, जाट रेजिमेंट वाले ये लोग जानते हैं, नागा रेजिमेंट वाले तो कच्चे चबा जाए सब। बिहार रेजिमेंट वाला, बिहार रेजिमेंट वाले ए शुक्ला जी मारा पहले जल्दी लिट्टी भूजल जा मारा जल्दी मारा, 2 घंटा पहले ही लड़ाई खत्म कर लिट्टी से कल जाए। नहीं समझ में गया, लकड़ी उकड़ी ना मिले चीते पे सेक दो। तो गोवा हम लोग के क्या आ गया, कब्जा में आ गया। किस ऑपरेशन के तहत? विजन ऑपरेशन। गोवा में आज भी वेस्टर्न कल्चर आपको ज्यादा देखने को मिला। अब गोवा में एक अलग वो चीजें हैं, वहां पे वहां के लोग जो है ना बड़ी, मतलब बाहर से अगर जाके आप सोचिएगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दे बीच के किनारे, तो वहां के लोग इसका बहुत ज्यादा विरोध कर, इसलिए आप देखिएगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां नहीं जा पाई, ओला उबर नहीं जा पाया वहां से। वहां के लोगों का कहना है कि अगर बाहर के लोगों को पूरी तरह से छूट दे देंगे तो ये बाहर के लोग आएंगे। गोवा किस लिए प्रसिद्ध है? अपने नेचुरलिटी के लिए, बीच के लिए। बाहर का लोग आएगा यहाँ बीच पे किनारे 5 तल्ला बिल्डिंग बना देगा। अब बनाते बनाते अग वाला इतना ना बना देगा पीछे वाला पूरा ढाप देगा, समुंदर नहीं दिखेगा उस तो वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जगह। काजू वहाँ बड़ी सस्ता मिलता है, जो समुद्र का एरिया होता है, जो जहाँ पर लेटराइट मिट्टी होती है, वो काजू के लिए प्रसिद्ध है। गोवा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी गोवा में मुरमगांव वो है बंदरगाह है। मुरमगांव क्या है? बंदरगाह। गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस खोला गया था। बाकी गोवा आपको नारियल वगैरह चीज का उत्पादन होता है। मेनली भारत का यह एक ऐसा राज्य है जो कम्प्लीटली किस पे ज्यादा है? पर्यटन पर। किस पर है? पर्यटन। कोरोना से पहले यहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि विदेशी पर्यटकों को ही ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। कोरोना में सारा विदेशी पर्यटक साइड हो गया, बाद में आया इंडियन पर्यटक, देसी वाला पर्यटक। तो वो लोग अब देसी पर्यटकों को भी क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। यहाँ पर पर्यटन के लिए वो जगह भी काफी, मतलब वो सुटेबल है, उसी हिसाब से उसको माहौल को बनाया गया। बिहार में पर्यटन की बात कीजिए, यहाँ पर अगर कोई अंग्रेज गांव में चल गया तो पूरा गांव पीछे आएगा, रे 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 ये कौन चीज आ गई ले रे यार। अरे उसका परेशान कर देगा सब पूरा के। अरे पूरा एकदम फिरंगी है लो रे। आगे समझते, गोवा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गोवा में बीच बहुत, जैसे चौपाटी बीच मुंबई का फेमस है, वैसे ही जुहू और चौपाटी, वैसे गोवा का है कंडोलिन बीच है, बाघा बीच है, कलंगूट बीच है, और बहुत सारे बीच है। बीच उस जगह पे ही होता है जहां पर पत्थर नहीं होता, पत्थर नहीं होता, बालू होते हैं। क्या होंगे? बालू। बाकी मुंबई मुंबई के बाद आगे पत्थर, ताज होटल के पास देखेंगे पत्थर है, जाएंगे ना अचाक से एक गहरा है, एगो पत्थर है, अगवा लंपायर रखेंगे इसे घचाक दे नीचे चल गए, तहस नहस हो जाएंगे वहां पर। और दूसरा क्या है, नहाने में पत्थर होता में दिक्कत नहीं होता, बालू में अगर आपको पानी खींच ले जाता है तो फेंक देता है, तो बालू रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें पत्थरवे पे ले आकर पटक देगा, कपारे फूट गया जाए यहाँ पे। हाँ घाट के किनारे आपको कोनो टाका मारने वाला भी ना मिलेगा, मर जाएंगे ऐसे ही। तो बीच हर जगह को नहीं बनाया जाता, वही बनाया जाता है जहाँ ढाल कम हो और पूरी तरह से क्या हो, बालू हो, तो वही जगह क्या कहते हैं, बीच। फिर भी हमेशा देखिएगा डेली 2-4 को जाके वहाँ मरते रहेगा सर, एडवांस बनेगा सर, इतना पनिया में चल जाएगा सर। अरे समुंदर का घुटना भर पानी आपको ना 4 आदमी के ढकेलने इतना प्रेशर लगाता है, नदी थोड़ी है समुंदर है, कितना दूर से मारा है प्रेशर, और ढकेल के फिर वापस लेके चल जाता है, ढकेल के गिराएगा, लहर इसे मारेगा ढह जाएंगे गिर जाएंगे, अब वापस जाएगा तो लेके चल चलेगा, आओ तुमको चलते हैं, तुमको अरब सागर दिखा के लाते, हालत खराब हो जाता है। हाँ अरे अक्सर मरते रहता है सब कोई ना कोई यहाँ पे, जबकि वहाँ पुलिस वार्निंग देती रहती है कि ज्यादा आगे मत जाओ, वो भी देखता है कि जा सुजरात नहीं, तेरा मरे का शौक है तो तू चल जाओ बॉम्बे हाई, चल जाओ तुम यहाँ चल जाओ वहाँ मर समुंदरवा में, जो तेल निकाल वहाँ पे, यही सब मरा है सब, नीचवा पेट्रोलियम बना है सब, आदमी नहीं मरा है वहाँ पे तो पेट्रोलियम।